नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जन की बात में आज बात करेंगे कोरोना को लेकर। एक बहुत अच्छी खबर पारुल सामने आई है, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे पारुल कि 4 लाख 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। बीते 2 दिन से हमने देखा है कि मामले कुछ कम हुए हैं और बीते 24 घंटे में मामले 3 लाख से बहुत कम आए हैं, यानी कि 2,63,000। लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग कई जगहों पर नहीं हो रही है, कई जगह लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, कई जगह आंकड़े ऐसे हैं कि लोगों की मौत घर पर हो रही है, वो आइसोलेट हैं, हार्ट अटैक से मौत हो गई तो वो कोविड उसमें नहीं जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज का जो खास मकसद है हमारा, वो आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना है जिस पर आज बहुत चर्चा हो रही है। तमाम एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। आज डॉक्टर्स तो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसके सवाल लेकर आए हैं। और पारुल जो है वो अभी आपको बताएंगे भी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम 2 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी, जिसको लेकर बहुत हाहाकार मचा। 2020 में जब कोरोना आया था, तब ये पता चला कि जो कोविड पेशेंट है, जो रिकवर हो रहा है, उसके अंदर एक एंटीबॉडी बन रही है, और अगर आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो दूसरा जो कोविड पेशेंट है वो उससे ठीक हो रहा है। बिल्कुल। इस पर ये थ्योरी चलती रही। 2020 निकल गया, 2021 में हाहाकार मच गया। लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत हाहाकार मचाया कि हमें प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, आप प्लाज्मा डोनेट करिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। तो प्लाज्मा थेरेपी पर हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार ने इस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। बिल्कुल, कह दिया है कि इस पर हम पूरी तरह से अभी बात नहीं कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कारगर साबित नहीं होता है। क्या प्लाज्मा थेरेपी है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें पारुल बताएंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा है गाँव और कस्बों का, इस पर हम आएंगे। उससे पहले पारुल बताएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे इससे वर्क करता है, ये कैसे एंटीबॉडी बनती है, कैसे दूसरे पेशेंट्स को ये भेजा जाता है, सारी चीज़ें। बिल्कुल काजोल, देखिए सबसे पहले आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, पिछले साल यही हम एक शब्द सबसे ज़्यादा सुनते आ रहे थे, प्लाज्मा डोनेट करना, प्लाज्मा थेरेपी। पिछले साल से ही लोग जाने थे कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। इस साल भी अब आधा साल निकल गया काजोल, और इसी जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं कि हमारे पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा दे दीजिए, प्लाज्मा का कहीं से अरेंजमेंट करा दीजिए। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है। देखिए, अगर कोई कोरोना से संक्रमित है और वो बाद में रिकवर हो जाता है, तो उसके जो खून का होता है, पीला पार्ट होता है खून का, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और वो इसलिए जरूरी होता है, अगर कोई कोरोना से संक्रमित है और रिकवर इंसान का, अगर हम वो खून का पीला पार्ट लाकर संक्रमित इंसान के अंदर बॉडी में डाल देते हैं, तो एंटीबॉडी बन जाती है और उससे एंटीबॉडी उसके शरीर में लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है, और कहीं ना कहीं मरीज जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। अब तक देखिए यही कहा जा रहा था, और ICMR की तरफ से भी ये कहा गया था कि लक्षण दिखने के 7 दिन के अंदर, कोरोना के जब लक्षण दिखे उसके 7 दिन के अंदर अगर प्लाज्मा थेरेपी करा लेंगे तो कोरोना से आप निजात पा सकेंगे, संक्रमण जो है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा और कोरोना से आप जीत जाएंगे। लेकिन अब देखिए सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि केंद्र सरकार ने अचानक से आकर, जब 1.5 साल से प्लाज्मा थेरेपी हम सुन रहे थे और हर कोई प्लाज्मा के लिए अरेंजमेंट करता भी घूम रहा है, हर कोई हर तरफ ये कह रहा है कि प्लाज्मा चाहिए हमारे मरीज के लिए, इस ब्लड ग्रुप का तमाम ब्लड ग्रुप्स हैं उनका प्लाज्मा चाहिए, लोग ढूंढ भी रहे थे, भागे फिर रहे हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ने अचानक से आकर ये कह दिया कि हम कोरोना प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा रहे हैं, तो काजोल कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि देखिए जिस प्लाज्मा थेरेपी पर अभी तक लोग निर्भर थे और अभी तक ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पेशेंट को अगर प्लाज्मा मिल जाएगा तो प्लाज्मा से हमारे पेशेंट की जान बचाई जा सकेगी, क्योंकि देखिए तमाम ऐसे केसेस थे काजोल जिनमें प्लाज्मा मिलने के बाद वो पेशेंट रिकवर भी हो गए थे और उनके मरीज जो हैं, पेशेंट जो हैं, वो उनकी जान बचाई भी जा सकी थी। लेकिन अब अचानक से केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि अब प्रोटोकॉल से, कोरोना प्रोटोकॉल से हम प्लाज्मा थेरेपी को हटा रहे हैं, इस पे बात नहीं करेंगे और इसके बारे में बातचीत नहीं इसलिए की जाएगी, क्योंकि देखिए सरकार के मुताबिक ये थेरेपी बीमारी को दूर करने और मौत से के मामले में मददगार साबित नहीं हो रही है। यानी कि सबसे बड़ा सवाल यही है काजोल कि 1.5 साल बाद कहना चाह रही है कि जो
कारगर प्लाज्मा साबित नहीं हो रहा है और मौत के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसको भी कम करने में कारगर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन काजोल कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है सरकार से कि जिस प्लाज्मा थेरेपी पर पिछले 1.5 साल से हम लोग निर्भर थे, हर इंसान ये सोच रहा था प्लाज्मा थेरेपी करा के हमारे मरीज की जान बचाई जा सकेगी, लेकिन अब 1.5 साल बाद ऐसा आखिर क्या हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी को आप ये कह रहे हैं कि बीमारी में और मौतों का आंकड़ा कम करने में कारगर साबित नहीं हो पा रही है। और इसीलिए देखिए तमाम हम हर दिन देखते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लोग पोस्ट करते भी नजर आते हैं, इसको लेकर काजोल आपको ज्यादा जानकारी देंगी। बिल्कुल, देखिए पारुल अभी आपने जिक्र किया कि 1.5 साल से हम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे थे, एकदम से सरकार आती है केंद्र सरकार और कहती है कि हम अपने प्रोटोकॉल से इसे हटा रहे हैं। आज मैंने अभी कुछ डॉक्टर्स को भी सुना, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी उसमें मैंने सुना डॉक्टर सीधे कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी एक हद तक कारगर हो सकती है लेकिन हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएं ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने ICMR का जिक्र किया, ICMR पहले ही प्लाज्मा थेरेपी के लिए कह चुका है कि वो पूरी तरह से कारगर नहीं है, आप डिपेंड उस पर नहीं रह सकते हैं, उसके बावजूद भी ये भ्रम फैलाया गया। इसे मैं भ्रम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपने प्रोटोकॉल से हटा दिया है, तो आपने भ्रमित किया लोगों को क्योंकि पिछले कई दिनों से बिल्कुल काजोल आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूंगी कहीं ऐसा ना हो जब हम कोरोना से उभरे तो कहीं ये एक स्कैम ना निकले। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे स्कैम चीजें हम देख रहे हैं रेमडेसिविर को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर बहुत सारी चीजें हमने देखी है, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत है कुछ भी हो सकता है, ये विडंबना है भारत की, यहाँ पर ऐसी चीजें होती रहती हैं और कहीं ना कहीं दुख होता है कि ऐसी पैनिक स्थिति में भी ऐसी चीजें करने की कोशिश हो जाती है। बात हम कर रहे थे सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पर देखिए अगर मैं गलत नहीं हूँ पारुल तो मार्च के एंड में बहुत हाहाकार मच चुका था, मतलब शुरुआत हो चुकी थी और पूरा अप्रैल जो है वो बीता है इसी हाहाकार में। सोशल मीडिया पर मैं अगर खुद की बात करूं या मैं पारुल की बात करूं, क्योंकि हम दोनों ही सोशल मीडिया पर हैं, दोनों ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लोग बाकायदा पोस्ट डालते थे कि यहाँ पर आपको प्लाज्मा अवेलेबल होगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, यहाँ पर आपको रेमडेसिविर अवेलेबल होगा, यहाँ आपको ICU बेड मिल जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हम एक महीने से देख रहे थे, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे थे पारुल, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आए हैं सामने और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसका, इतना हाहाकार मचा दिया, हाई प्लाज्मा हाई प्लाज्मा, क्या हुआ आपने प्लाज्मा को ही हटा दिया है, प्लाज्मा से कोई ठीक नहीं हो सकता है, प्लाज्मा कारगर नहीं है, तो फिर आपने क्यों इतना भ्रमित लोगों को किया हुआ था, क्यों, कौन सी एंटीबॉडी बन रही थी जो अब कारगर नहीं हो पा रही है, क्या ये बदलते वेरिएंट है, बदलते म्यूटेंट है या कुछ और वजह हो सकती है पारुल, या वाकई जो आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि स्कैम हो सकता है, क्या वाकई स्कैम है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस पर भी जल्द ही खुलासा होगा कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर पहले इसे क्यों इतनी प्राथमिकता दी गई और आज इसे क्यों प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स पहले कह रहे थे कि नहीं वाकई एंटीबॉडी बनती है, आप एक कोविड मरीज की जान बचा सकते हैं अगर सीमित समय में उसे प्लाज्मा थेरेपी मिल जाए, प्लाज्मा मिल जाए, आज वो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या कोई दबाव था डॉक्टर्स पर या स्वास्थ्य मंत्रालय पर कोई दबाव था, या स्वास्थ्य मंत्रालय समझ नहीं पा रहा था इस चीज़ को, WHO ने इस पर क्या कहा, ये बहुत लोगों के जानने की इच्छा है कि WHO इस पर क्या कहता है, हालांकि WHO ने भी इस पर कहा नहीं है, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहीं ना कहीं काजोल शायद इसके पीछे की वजह जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने देखा, वो कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं कि इससे लोग जो हैं वो रिकवर ज्यादा नहीं हो पा रहे, क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस मैंने खुद ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है और जिसको प्लाज्मा डोनेट किया गया उसे बहुत समय लग रहा है रिकवर होने में, और हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वो रिकवर हो ही नहीं पाते और उनकी अंत में जाकर मौत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं बारुल, बहुत, एक नहीं दो नहीं, मैं दिल्ली की अगर बात करूं या यूपी की, तो दिल्ली और यूपी में बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। बिल्कुल, और इसीलिए शायद काजोल अब केंद्र सरकार को ये सबक मिला है, शायद केंद्र सरकार अब जागी है कि मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए शुरुआत में आपने भी कहा था कि मामले कोरोना के भले ही कम हो रहे हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो हर रोज बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा, वो शायद इसीलिए है क्योंकि प्लाज्मा जो डोनेट किया जा रहा है प्लाज्मा से लोग रिकवर नहीं हो पा रहे हैं और अंत में उनकी मौत हो जाती है। बहुत सारे केसेस अभी हम जिक्र भी कर रहे थे,
ऐसे हैं और इसीलिए शायद अब केंद्र सरकार को ये पता चला है कि जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन काजल, कहीं ना कहीं जब इतने लोगों की जान चली गई है भारत में, तब क्यों सरकार की नींद खुली या स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली, स्वास्थ्य मंत्रालय की नींद खुली? क्या ये चीजें पहले नहीं समझ आ रही थी? बिल्कुल पारुल, ये सीधा सीधा सवाल है सरकार से भी। लेकिन जो वायरस को हम बहरूपिया कहते हैं, जिस तरह से बदल रहा है अपने रूप, उसे भी समझना, कहीं ना कहीं समझने में देर लग रही है वैज्ञानिकों को भी, क्योंकि पहले पहली लहर आती है, फिर दूसरी लहर आती है, तीसरी लहर भी अगर मैं कहूँ तो पारुल वो भारत में आनी शुरू हो गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अब कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, कई बच्चों की तो जान चली गई है कई कई राज्यों में। तो मैं कह सकती हूँ कि तीसरी लहर भी आनी शुरू हो गई है। उम्मीद हम करते हैं कि हमारा भारत स्वस्थ रहे, जल्द से जल्द खुशहाल हो जाए, जैसे पहला हिंदुस्तान हमारा था वैसा वापस हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं। देखिए, ये तो बात हो गई प्लाज्मा थेरेपी की, कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्यों प्रोटोकॉल से हटाया गया है, क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी, कितने हाहाकार मचा प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक, अस्पतालों तक, घरों तक चीजें निकलकर सामने आई। अब बात करेंगे हम गांव और कस्बों की। पर गांव और कस्बों में फिलहाल बहुत ज्यादा, मैं कहूं तो, मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन शहरों में देखिए, भले ही कुछ भी हो, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन शहरों में गांव के हिसाब से बहुत बेहतर है। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, कस्बों में उतनी बेहतर नहीं है, वहां पर मामले बेहद ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारें ये कहती हैं कि हमने अपने राज्य में कंट्रोल किया हुआ है। कैसे कंट्रोल हो रहा है? फिर वो शव किसके हैं जो नदियों में बह रहे हैं, गंगा में बह रहे हैं, यमुना में बह रहे हैं? अगर आपने कंट्रोल किया है, अब आंकड़ा दिखाते हैं कि 200 मौत हुई है 24 घंटे में, वहां पे जो शव हैं वो 300 या 400 की संख्या में जल रहे होते हैं। और कई तो उनमें काजोल ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है, उनकी जांच ही नहीं हुई है, उन्हें कोरोना था या नहीं था या किसी और बीमारी से उनकी मौत हुई है। क्योंकि देखिये, तमाम गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसे काजोल ने भी बताया, कि उतनी सही नहीं है जितना शहरों में। और अभी तक काजोल, कहीं ना कहीं रिलीफ इस बात का था कि कोरोना की जो पहली लहर थी और दूसरी लहर थी वो शहर तक सीमित थी। हाँ। लेकिन जब से चुनाव हुए, उसके बाद कुंभ हुआ, उसके बाद कोरोना ने गांव में भी पैर पसारना शुरू है। ये बिल्कुल रीजन है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो कुंभ हो, ये रीजन है बिल्कुल। और इसीलिए गांव में भी कोरोना ने अब पैर पसारने शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा स्थिति अब गांव की इसलिए खराब हो रही है क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब काजोल, अगर मैं देखिए अपने पर्सनल लेवल पे बात करूं, जो मुझे जानकारी मिली कहीं से, वो अब गांव में स्थिति ऐसी हो गई है कि डॉक्टर्स वहां पर नहीं होते। कई अस्पताल तो ऐसे होते हैं सरकारी के, कंपाउंडर ही डॉक्टर बन के दवाई दे रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर, जिन्हें पता ही नहीं कि दवा कौन सी देनी है। बिल्कुल। और कई जगह तो काजोल अब ये कह दिया जा रहा है गाँव में लोगों से, अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो आप पैरासिटामोल खा लीजिए, आप कोविड, ये कोविड की दवाई है, पैरासिटामोल खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है, तो ऐसे में वो लोग जाएं कहां? कई लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट नहीं कराया जा रहा है गाँव में, क्योंकि टेस्टिंग भी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, फिर अस्पताल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका लिस्ट में आप ये तो कह देते हैं कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं दिल्ली में या फिर यूपी में, लेकिन उन गाँवों, उन कस्बों का क्या, जहां पर टेस्टिंग ही नहीं कराई जा रही है, जहां पर मरीजों के नाम लिस्ट में ही नहीं है। और इसकी वजह ना दो तीन जो है, जो मुख्य मुझे लगती है या फिर जो मैंने स्टडी किया उससे ये मुझे पता चलता है, जितने मैं देख रही हूँ बड़े बड़े चैनल्स और खुद, देखिए अभी तो हम फील्ड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है जाकर कि किस तरह की स्थिति है। पहाड़ों तक कोरोना पहुंच गया है, पहाड़ों में बहुत दूर दूर तक घर होते हैं, बहुत दूर, आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर कोविड इतनी, वहां पर इतने छोटे छोटे बड़े बड़े गाँव में एक अस्पताल होता है। बिल्कुल। और कोविड भी इतनी तेजी के साथ फैल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि स्वास्थ्य व्यवस्था की कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, ये सच्चाई है, चाहे सरकार माने या ना माने, ये व्यवस्था लचर है। क्योंकि हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी हैं, बहुत सारी खबर हमारे पास आती है उत्तर प्रदेश के कई गाँव से, चाहे वो मेरठ की मैं बात कर लूँ, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात कर लूँ, सहारनपुर की बात कर लूँ, बलिया की बात कर लूँ, बाराबंकी की बात कर लूँ, उन्नाव, बरेली, रायबरेली, ऐसे तमाम तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आती है, जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है ये साफ नजर आता है। इसके अलावा दूसरी बात ये अज्ञानता, अज्ञानता ये कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोविड कितना खतरनाक है, लोग ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने में पीछे हट रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है कि अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो उनकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, करोड़ों, 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा दूसरी जानकारी भी नहीं है, जानकारी नहीं है और सही तरीके से जागरूक लोगों को नहीं किया जा रहा है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, वैक्सीन नहीं लग रहा है,
टेस्टिंग नहीं हो रही है तो पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में घरों में व्यवस्था नहीं है लोगों के अस्पतालों में, तो घरों में ही लोग रख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि फीवर हो गया है और कहीं लेकर नहीं जाते हैं कि वो कुछ और कर देंगे। ऐसे बहुत भ्रम है, अंधविश्वास जो है ना पारुल, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तस्वीरें बहुत आती हैं, कहीं पूजा कर रही हैं महिलाएं, कहीं हवन हो रहा है कोरोना को भगाने के लिए। आजकल नया ट्रेंड चल गया है, हवन करके पूजा पाठ करके कोरोना को भगाया जा रहा है। तो ऐसे तो लगता है कि ऐसा हम करेंगे तो कोरोना चला जाएगा, लेकिन टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उससे डर लगता है लोगों को। तो जागरूक रहिए सबसे बड़ी बात, और सरकार से भी हम यही कहते हैं कि आप प्लीज आगे आइए। देखिए योगी सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े छिपे हुए हैं, ये भी सच्चाई है। आप जाइए, लोगों को जागरूक करिए, उन्हें बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें समझाना, कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है पारुल, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए करिए, कोशिश करिए, उम्मीद है कि इससे बेहतरी हमें गांव में भी दिखेगी। हमारे जो गांव है वो खुशहाल होंगे, क्योंकि असली जो भारत बसता है ना पारुल, वो गांव में बसता है, शहरों में नहीं। बिल्कुल काजल, और इसीलिए देखिए आप लगातार गांव का जिक्र कर रही हैं, और जो लोग हैं वहां पे जानकारी नहीं है बहुत सारे। देखिए गांव में घर कई लोगों के बड़े होते हैं, लेकिन कई लोगों के घर छोटे छोटे होते हैं, कई लोग जो कि झोपड़ियों में रहते हैं। ऐसे में अगर काजोल किसी को कोरोना हो जाए, अस्पताल तो दूर, घर में भी वो अलग नहीं रह सकता। देखिए शहर में एक बार को हम होम आइसोलेशन में रहकर एक अलग कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन गाँव में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि आप खुद को घर में रख कर अलग कर सकते हैं। तो ऐसे जिन्हें होम आइसोलेशन का मतलब नहीं पता है कि होम आइसोलेशन होता क्या है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, कोरोना हो या फिर होम आइसोलेशन हो, क्वारंटीन हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं काजोल जो गाँव में लोगों को नहीं पता है। हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता कि दवाइयां कब कौन सी लेनी है, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई जाता नहीं है, किसी भी तरह की जानकारी नहीं देता, जागरूक नहीं करता। हालांकि देखिए ये ज़रूर कहा जाता है कि हम गाँवों में कस्बों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा या उसका असर कहीं भी दिखता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब जब कोरोना गाँव में पहुँच गया है, गाँव में लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो स्थिति अब खराब होती दिख रही है। अभी तक शहरों में था, अभी तक ये रिलीफ था कि शहरों में है, शहरों के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं, हर चीज को बारीकी से देखते हैं, हर खबर को, हर जानकारी को। क्योंकि देखिए आज का टाइम ऐसा है काजोल, कोरोना को लेकर कुछ भी छोटा सा अपडेट होता है शहर में, जो भी इंसान हो हर कोई उससे रूबरू होता है, हर कोई उसकी जानकारी रखता है, लेकिन गाँव में अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हालांकि मैं हर किसी के लिए नहीं ये बात कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार यूट्यूब पर न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं, हर छोटी सी जानकारी से खुद को जागरूक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिनके पास जानकारियों का अभाव है, वही लोग ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान हैं। क्यों, उन्हें ये नहीं पता कि अब जाएं तो जाएं कहां, अब हम इस स्थिति में हैं। बहुत सारे लोग काजल ऐसे हैं कि अब देखिए अगर शहरों की बात करूं, अगर हमें फीवर हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, तो तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेते हैं या फिर टेस्टिंग कराने चले जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नजारा नहीं है। वहां पर अगर तो नॉर्मल होती है चीजें कि खांसी जुकाम है, कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन संभलिए और सोचिए, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले सावधान रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे गांव कस्बों से भी जल्दी, जैसे शहरों से हालांकि कुछ टेस्टिंग की भी कमी है, लेकिन कुछ मामले भी कम हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। एक उम्मीद जागी है कि शायद दूसरी लहर अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह से पहले ही तैयार रहें, ये हमारे लिए ज़रूरी है, सरकार के लिए ज़रूरी है, जो स्वास्थ्य महकमा है उसके लिए ज़रूरी है, आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। तो गाँव में भी ऐसी तस्वीरें आएँ, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से एक बार फिर से कह रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी को हमने समझा दिया, वो कारगर नहीं है, केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल से उसे हटा दिया है, तो उस पर डिपेंड मत रहिए। दूसरी बात ये कि गांव कस्बों के जो लोग हैं वो पहले जिन जिन को वैक्सीन लगनी है वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं, टेस्टिंग ज़रूर करवाएं, इससे आपका ही भला होगा और आप समझ पाएंगे कि कोरोना आपको हुआ है या नहीं हुआ है, या इसके सिम्टम्स क्या हैं, या इसे आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इन दो मुद्दों को समझाना बेहद ज़रूरी था। उम्मीद मैं करती हूँ पारुल कि इन लोगों को समझ में आया होगा, जो भी दर्शक हैं, कि कैसे क्या प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या चीज़ें थी, क्या भ्रम था और कैसे अब चीज़ें चेंजेस हुई हैं, और गांव और कस्बों में किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आएंगे ताकि आप लोगों तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।